हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फॉर यू में। दोस्तों, आपका यूपी पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 3 सितंबर का फर्स्ट शिफ्ट का समाप्त हो चुका है। फर्स्ट शिफ्ट में आपके जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं इस वीडियो में मैं आपको कवर कराऊंगा। दोस्तों, हम आपको 100% रियल क्वेश्चन कराते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से एग्ज़ाम फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको यहाँ पर हर एक शिफ्ट का एनालिसिस समय पर देखने को मिलता रहे। अगर आपका नेक्स्ट शिफ्ट में एग्जाम है तो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक जरूर देखें, क्योंकि दोस्तों यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो देख लेते हैं आपके 3 सितंबर की फर्स्ट शिफ्ट में क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन था, यदि किसी वस्तु पर एफ बल लगाने पर वह वी वेग से गतिमान हो जाती है तो उस पर लगने वाली शक्ति का मान क्या होगा? तो एफ इंटू वी होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर था, अगर आपने ए पर टिक किया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, गुरुत्वीय त्वरण जी का मान सबसे अधिक कब होता है? तो ध्रुवों पर होता है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट देख लेते हैं, किसी ग्रह की सतह पर जी का मान निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है जी का मान? यह करता है ग्रह के द्रव्यमान में त्रिज्या दोनों पर। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर था, ऑप्शन में दे रखा था। दोस्तों, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल हो रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो जल्दी से सभी लाइक कर दें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर भी कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से एग्जाम फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको यहाँ पर हर एक शिफ्ट का एनालिसिस समय पर देखने को मिलता रहे। नेक्स्ट देख लेते हैं, आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है, तो किस पर निर्भर करती है आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा? तो ये करती है केवल दाब पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट था, गैस समीकरण पी वी इक्वल टू आर टी में वी निम्नलिखित में से किसका आयतन है? तो 1 ग्राम एटॉमिक गैस का, यानी 1 ग्राम अणु गैस का है। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर था, अगर आपने सी पर टिक किया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, रेखीय प्रसार गुणांक का मात्रक क्या है? तो ये आपका डिग्री सेंटीग्रेड इनवर्स। ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर था, अगर आपने सी पर टिक किया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, वायुमंडलीय दाब पर जल 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर उबलता है, यदि दाब कम कर दिया जाए तो पानी उबलेगा, तो पानी किस पर उबलेगा? निम्न ताप पर। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर था। दोस्तों, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो जल्दी से सभी लाइक कर दें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो एग्जाम फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, हर एक शिफ्ट का एनालिसिस आपको समय पर देखने को मिलता रहेगा। एक क्वेश्चन था, 300 मीटर लंबी ट्रेन 900 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 40 सेकंड में पार करती है, तो ट्रेन की गति क्या है, ये आपको बताना था। अगर आप टोटल डिस्टेंस देखोगे, 300 प्लस 900 1200 मीटर हो जाएगा, टाइम दे रखा है 40 सेकेंड, स्पीड हो जाती है आपकी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यानी 1200/40। यहाँ से अगर आप निकालोगे तो आपका आएगा मीटर पर सेकंड में, हमें बदलना है किलोमीटर पर आवर में, तो 18/5 से गुणा कर देंगे। 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 से कट जाएगा आपका 30 बार, 5 से 30 कट जाएगा 6 बार, 6 × 18 आप करोगे 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आ जाएगी। इस तरह से क्वेश्चन सोल्व करना था। दोस्तों, आई होप आपके सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, 4 संख्याएँ दे रखी हैं, इनकी गुणनफल में इकाई अंक क्या होगा, ये आपको बताना था। 658 में 8 है इकाई अंक, 539 में 9, 476 में 6, 312 में 2, 9×8=72, 6×2=12 इकाई अंक, इसमें क्या है 2 और 12 में क्या है 2, 2×2 करोगे आप 4 आ जाएगा। अगर आप इन संख्याओं का गुणनफल करोगे तो इसमें इकाई अंक आएगा 4। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना था, आई होप आपके सोल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट था, यदि आप एक पंक्ति में एक छोर से 9वें व्यक्ति और दूसरे छोर से 11वें, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति है, ये आपको बताना था। ये एक पंक्ति है, एक छोर से आप 9वें व्यक्ति है, दूसरे छोर से आप 11वें, तो पंक्ति में कितने व्यक्ति हैं? 9 + 11 करोगे, आपकी पोजीशन जो है दोनों साइड से ऐड है, इसलिए एक बार आपको जोड़ा जाएगा तो एक सब्ट्रैक्ट कर देंगे आप। 9 और 11 = 20, 20 में से एक सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपका आ जाएगा 19। पंक्ति में 19 व्यक्ति थे, ऑप्शन नंबर आपका बी राइट आंसर था। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना था, आई होप आपके सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। दोस्तों, अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, आपको अच्छी लग रही है, तो जल्दी से सभी लाइक कर दें, अपने सभी दोस्तों के पास शेयर भी कर दें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, जल्दी से एग्जाम फॉर यू चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको यहाँ पर हर एक शिफ्ट का एनालिसिस समय पर देखने को मिलता रहे।
नेक्स्ट था, यदि ए किसी कार्य को 20 दिन में करता है, बी 30 दिन में करता है, तो वे दोनों कार्य को एक साथ शुरू करते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? ए करता है 20 दिन में, बी करता है 30 दिन में, तो टोटल वर्क अगर आप देखोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका 60 यूनिट। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी? बी से भाग कर दोगे 3 यूनिट। बी की एफिशिएंसी आ जाएगी आपकी 30 से दो बार कट जाएगा 60, 2 यूनिट पर डे। ए और बी मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 प्लस 2 यूनिट, यानी आपका आ जाएगा 5 यूनिट पर डे। टोटल वर्क कितना है? 60, एक दिन में करते हैं 5 यूनिट, 5 से भाग कर देंगे 12 बार कट जाएगा, तो 12 दिन में जो है कार्य को पूरा कर लेंगे ए और बी मिलकर, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर था। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, किसी संख्या को 52 से भाग देने पर शेषफल 45 प्राप्त होता है, यदि इसी संख्या को 13 से विभाजित किया जाए तो शेषफल क्या होगा? इसमें कुछ नहीं करना था, 45 को अभी भाग करना था किससे? 13 से। 13 3 39, 6 बज गया, हमें शेषफल को बताना था, 6 यानी रिमाइंडर आपका 6 बज गया, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर था। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था, आई होप आपके सॉल्यूशन में समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं गाइस, यदि गुणा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ डिवाइड, प्लस का अर्थ है गुणा और डिवाइड का अर्थ है प्लस, तो आपको वैल्यू फाइंड करनी थी, तो इसे कैसे करना था? 16, गुणा का अर्थ है आपका -8, डिवाइड का अर्थ है आपका +4, माइनस का अर्थ है डिवाइड 3, और प्लस का अर्थ है गुणा, तो इसे कैसे करना था? 16 -8 +4, डिवाइड में 3 है गुणा 9, 3 से 3 बार कट जाएगा 9, 4 3 12 हो जाएगा, 16 -8 +12, 16 और 12 को ऐड करोगे तो आपका आ जाएगा 28, 28 में से 8 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो आपका आ जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर था। इस तरह से आपको क्वेश्चन सोल्व करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं गाइस, दो संख्याएं 3 और 4 के अनुपात में हैं, उनका एलसीएम 84 है, तो बड़ी संख्या क्या है ये आपको बताना था। अगर आप 3 4 का एलसीएम देखेंगे, 3 4 का एलसीएम आएगा 12, 12 की वैल्यू दे रखी है हमें 84 के बराबर, एक की वैल्यू क्या आ जाएगी? 12 से भाग कर दोगे 7 बार कट जाएगा, 12 7 84, बड़ा बड़ा अनुपात क्या है? 4 4 की गुणा 7 कर दोगे तो 4 7 28 आ जाएगी आपकी बड़ी संख्या। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था, आई होप आपके सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट था जेड टी ओ वी ओ के एच क्वेश्चन मार्क, जेड आता है आपका 26वें नंबर पे, टी आता है आपका 20 नंबर पे, ओ आता है आपका 15 नंबर पे, के आता है आपका 11 नंबर पे, एच आता है आपका 8 नंबर पे, यानी यहाँ पर कितना -6 हो रहा है, यहाँ पर -5, यहाँ पर -4, यहाँ पर हो रहा है आपका -3, तो आगे कितना होगा? -2, 8 में से -2 करोगे 6, तो क्वेश्चन मार्क 6ठे नंबर पर क्या आ जाएगा? एफ, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क की जगह आपका एफ आना था, एफ आपका करेक्ट आंसर था। नेक्स्ट था दोस्तों 5:126 प्रोपोर्शन 8:00 क्वेश्चन मार्क, तो इस क्वेश्चन को कैसे करना था? 5 का स्क्वायर होता है, 5 का क्यूब होता है आपका 125, प्लस 1 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 126, यानी ये आ गया। इसी तरह से आपको 8 का क्यूब करना था, 8 का क्यूब होता है 512, प्लस 1 कर दोगे तो आपका आ जाएगा 513, तो क्वेश्चन मार्क की जगह 513 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करना था, आई होप आपके सॉल्यूशन भी समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये थे आपके यूपी पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस एग्जाम जो हुआ है आपका 3 सितंबर का, फर्स्ट शिफ्ट का रिलेटेड हमारे पास आपके जो भी क्वेश्चन आए मैंने इस वीडियो में आपको कवर कराए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जल्दी से लाइक कर दें, अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं, तो जल्दी से एग्जाम फॉर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आपको यहाँ पर हर एक शिफ्ट का एनालिसिस समय पर देखने को मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतने, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत,